इसराइल और हमास में लगातार 5 दिनों से जंग जारी है। मौत का आंकड़ा 2600 से पार पहुंच गया है। हमास की ओर से किए गए हमले पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई भी जारी है। वहीं इस बीच खबर आ रही है कि इजरायली सेना हवाई हमलों के बाद अब गाजा में संभावित जमीनी अभियान की तैयारी कर रही है। हालांकि इसराइल के राजनीतिक दलों ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से इसराइल चुपचाप अपनी फौज जुटा रहा है, उससे किसी बड़ी जंग का अंदेशा जरूर हो रहा है। इसराइल ने लगभग 360,000 सैन्य रिजर्व बुलाए हैं। हमास को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी गई है। वहीं इसराइल का साथ देने के लिए अमेरिका भी सामने आ रहा है। हथियारों से लैस पहला अमेरिकी डिफेंस कार्गो प्लेन इसराइल में उतर चुका है। अमेरिका इसराइल को ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल दे रहा है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 2 स्ट्राइक ग्रुप खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गोराल्ड आर फोर्ट इसराइल के पास समुद्र में खड़ा किया है। USS जॉर्ज की तैनाती भी की गई है। दोनों फ्लीट्स को मिलाकर 5,000 सैनिक और दर्जनों फाइटर जेट्स इसराइल के सपोर्ट के लिए खड़े हैं। इसराइल को सबसे ज्यादा जरूरत छोटे हथियारों की है, इसलिए जर्मनी ने छोटे हथियारों और ड्रोन के जरिए इसराइल की मदद करने का वादा किया है। जर्मनी ने कहा है कि वह इसराइल को 2 हेरोन ड्रोन देगा ताकि चुन चुन कर आतंकवादियों का खात्मा किया जा सके। उधर हमास के हमले के इसराइल ने गाजा पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। गाजा से ही हमास ने इसराइल पर एक साथ हजारों रॉकेट दागे थे। इसराइल डिफेंस फोर्सेस की माने तो हमास रॉकेट सिस्टम ऑपरेटर्स के एक ऑपरेशनल कमांड सेंटर और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन से संबंधित एक ऑपरेशनल कमांड पोस्ट पर भी हमला किया है। यही नहीं, गाजा में हमास द्वारा इस्तेमाल किए गए मस्जिदों के अंदर स्थित 2 परिचालन स्थिति कक्षों पर हमला किया गया है। गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1200 हो गई है, जबकि लगभग 5600 लोग घायल हुए हैं और 535 आवासीय इमारतें नष्ट हो गई हैं, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। गुस्से में आया इसराइल यही नहीं रुकने वाला है। इसराइली सरकार ने एकजुट मोर्चा पेश करने के लिए एक आपातकालीन युद्ध कैबिनेट का गठन किया है। इजरायली सेना ने कमर कस ली है। गाजा में किसी भी समय इजरायल की सेना घुसकर हमलों को और बढ़ा सकती है।